विद्यार्थी साथियों ने कुछ न कुछ इनोवेशन किए हैं, अलग अलग प्रकार की आकृतियां बनाई हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को आकृतियों में ढालने का प्रयास किया है। जल थल नभ और स्पेस और एआई, इन सभी क्षेत्रों में देश की भावी पीढ़ी क्या सोचती है, उसके पास कैसे कैसे सॉल्यूशंस हैं, ये सारी चीजें मुझे देखने का अवसर मिला। बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपको पता है आप किस स्थान पर आए हैं? आप उस स्थान पर आए हैं जहां भारत मंडपम के प्रारंभ में दुनिया के सभी बड़े बड़े दिग्गज नेता दो दिन बैठकर के यहां पर विश्व के भविष्य की चर्चा की थी। आज आप उस जगह पे हैं और आप भारत के भविष्य की चर्चा आज अपनी परीक्षा की चिंताओं के साथ साथ करने वाले, और एक प्रकार से परीक्षा पे चर्चा एक कार्यक्रम मेरी भी परीक्षा होता है। एग्जाम देने जा रहा है तो उत्साह उमंग के साथ चला जाए, बस जो उसकी रोजमर्रा की आदत है वैसा ही रहे। फिर जो सीनियर स्टूडेंट है उनका प्रॉब्लम क्या होता है, दरवाजे तक किताब छोड़ते नहीं, दरवाजे तक। आपका जो एग्जामिनेशन हॉल है, हो सकता है वो कोई सुबह से आपके लिए खोल के नहीं रखेंगे, लेकिन 10-15 मिनट पहले तो अलाउ कर ही देते हैं, तो आराम से जैसे ही खुले अंदर पहुंच जाइए और आराम से बैठिए मस्ती से, और दोस्ती बगल में तो एक आध चुटकुला सुना दीजिए, हंसी मजाक में पल 5-10 मिनट बिता दीजिए। कुछ नहीं है जान पाने, कम से कम एक डीप ब्रीथिंग करिए, बहुत गहरा सांस। आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आएगा तो आप कंफर्ट होंगे, वरना क्या होता है, वो आया कि नहीं, वो देखा कि नहीं, कैसा है, पढ़ा नहीं, टीचर कहाँ दिखता है, सीसीटीवी कैमरा है, अरे आपका क्या काम है जी, सीसीटीवी कैमरा किसी भी कोने में पड़ा है, तेरा क्या लेना देना है जी। हम इन्हीं चीजों में लटके रहते हैं जी, और वही बिना कारण हमारी शक्ति समय वेस्ट करता है। हमने खुद में ही खोए रहना चाहिए। माँ बाप हर बार अपने बच्चों को कोसते रहे, देख तू खेलता रहता है, देख वो किताबें पढ़ता, तू ये करता रहता है, देख वो पढ़ता है, यानी वो भी हमेशा उसी का उदाहरण देते हैं, तो फिर आपके दिमाग में भी यही एक मानदंड बन जाता है। कृपा करके माँ बाप इन चीजों से बचे। हमें अपने दोस्त में से ईर्ष्या भाव के बजाय उसके सामर्थ्य को ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। अपने दोस्तों से स्पर्धा और ईर्ष्या के भाव में न डूबे। और मैंने तो ऐसे लोग देखे हैं कि खुद फेल हो जाए लेकिन अगर दोस्त सफल हुआ है तो मिठाई वो बांट। जहां कोई प्रकार का इस प्रकार का लेना देना नहीं है, निर्व्याज प्यार होता है, वही तो दोस्ती होती है। और ये जो दोस्ती होती है ना, वो स्कूले छोड़िए जिंदगी भर आपके साथ रहे। और इसलिए कृपा करके मेरी आज की पीढ़ी के साथियों से बहुत मेरा आग्रह है कि कृपा करके आपकी एग्जाम में एक बड़ी चैलेंज होती है लिखना, कितना याद रहा, सही रहा, गलत रहा, सही लिखते हैं गलत, तो वो तो बात का विषय है। आप अपना ध्यान प्रैक्टिस में इस पर कीजिए और लिखना जितना होगा शार्पनेस ज्यादा आएगी, आपके विचारों में भी शार्पनेस आएगी, और अपनी लिखी हुई चीज को 3-4 बार पढ़ के खुद करेक्ट कीजिए। जितना ज्यादा खुद करेक्ट करोगे आपकी उस पर ग्रिप बहुत ज्यादा आएगी। जैसे मोबाइल फोन में चार्जिंग ये मोबाइल की रिक्वायरमेंट है, वैसे हमारा शरीर का भी चार्जिंग ये शरीर की रिक्वायरमेंट है। मैंने कुछ बच्चे अच्छे देखे हैं, वो छत पे चले जाते हैं, किताब लेके चलते हैं और पढ़ते रहते हैं, दोनों काम कर लेते, कुछ गलत नहीं है, वो पढ़ता भी है और अपना धूप के अंदर चल भी लेता है, एक्सरसाइज भी हो जाती है। कोई न कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिसमें आपकी फिजिकल एक्टिविटी, 5-10 मिनट डेडिकेटेड फिजिकल एक्टिविटी करनी ही चाहिए, ज्यादा कर सकते तो अच्छी बात। अगर इन चीजों को सहज रूप से आप लाएंगे, एग्जाम के तनाव के बीच सब कुछ इधर करेंगे वो नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा। संतुलित करिए, आपको बहुत फायदा होगा। धन्यवाद। Thank you.